नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को कई सारे नाम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था, क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथा है, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान होना हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको तीन सवाल पूछे थे, उन तीन सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, इंद्र को देवराज क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है वह देवताओं के राजा थे इस कारण। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्वर्ग के राजा थे, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्वर्ग की सत्ता कई सारे लोगों के पास गई है, लेकिन उनको देवराज नहीं कहा जाता था। लेकिन जो देवताओं के स्वामी है, देवताओं के राजा है, और इसी वजह से जो है इंद्र को देवराज यह उपमा या पदवी उनको प्राप्त हुई थी, और इसी वजह से इंद्र को देवराज इस नाम से संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, भगवान शिव को पिनाकी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है पिनाक नामक त्रिशूल को वह धारण किया करते थे इस कारण। तो भगवान शिव के पास जो त्रिशूल है उसका नाम पिनाक है, और इसी वजह से भगवान शिव का और भी एक नाम है पिनाक पानी, यानी कि संस्कृत में पानी यानी कर, यानी कि हाथों को जो है पानी कहा जाता है। और जिसके हाथ में पिनाक है यानी कि वह त्रिशूल है पिनाक नामक, इसी वजह से भगवान शिव को पिनाक पानी इस नाम से भी संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि कर्ण का मूल नाम वसुसेन था, फिर उसे कर्ण यह नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब है उन्होंने अपने अंग को काटकर देवराज इंद्र को जो है कवच और अपने कुंडल जो दिव्य थे वो दान किए थे, इसी वजह से कर्ण इस नाम से उन्हें संबोधित किया जाने लगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पुत्र मोह में आकर जो है देवराज इंद्र अपने पुत्र को बचाने के लिए, यानी कि कर्ण के पास यदि कवच कुंडल होते तो अर्जुन उन्हें युद्ध में कभी भी परास्त नहीं कर सकता था, और अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो है इंद्र जो है एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जो है कर्ण के पास जाते हैं, यानी कि वसुसेन के पास जाते हैं, जहां पे वसुसेन सूर्य जी को अर्घ देने के बाद जो है दान किया करते थे। जब वो ब्राह्मण दान करने के लिए, दान लेने के लिए वहां पे आता है तो कर्ण कहता है बोलो ब्राह्मणवर विप्रवर आपको क्या दान चाहिए? तो वहां पे इंद्रदेव जो है वो कर्ण से उनके कवच कुंडल मांगते हैं। कर्ण को पता है कि स्वयं देवराज इंद्र जो है वहां पे दान मांगने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने शरीर को काटकर कवच और कुंडल जो जन्म से उनके पास थे, सूर्य देव के वरदान से थे, वो वहां पे दान करता है। और इसी बात पे प्रसन्न होकर जो है वहां पे इंद्रदेव जो है उनको एक पाशुपाशास्त्र भी वहां पे प्रदान करता है। और दोस्तों, इसी वजह से वसुसेन इस नाम को कर्ण इस नाम से वहां पे संबोधित किया जाने लगा। तो दोस्तों, यह थे हमारे कल के तीन सवाल, और इन तीन सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो दोस्तों हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे तीन सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे पुनः विनती करते हैं कि पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य आपको पता होंगे, और आपको देखने के लिए सुविधा हो इसीलिए हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के तीन सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी को इस सवाल का सही जवाब तो देना ही होगा या आपको पता ही होगा, तो अवश्य बताइए। तो सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि गंगा को भागीरथी क्यों कहा जाता है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं, आपका पहला पर्याय वो पृथ्वी पर बहती थी इस कारण, आपका दूसरा पर्याय है भागीरथ द्वारा घोर तपश्चर्या करने के बाद स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के कारण, आपका तीसरा पर्याय है ब्रह्मा जी के कमंडली में थी इस कारण, आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा पर बांध लिया था इस कारण। तो दोस्तों, क्यों भागीरथी इस नाम से गंगा को संबोधित किया जाता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारे अगली वाली वीडियो देखें जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, महाराज शांतनु को यानी कि भीष्म के पिताजी को शांतनु यह नाम कैसे प्राप्त हुआ था? तो आपका पहला पर्याय है वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे इस कारण, आपका दूसरा पर्याय है उनके बड़े भाई वन में चले जाने के बाद उन्होंने सत्ता संभाली थी इस कारण,
आपका तीसरा पर्याय है उन्होंने गंगा से विवाह किया था इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह अपने दोनों हाथों से किसी भी वृद्ध को स्पर्श करते तो वह युवा हो जाता था और सुख एवं शांति का अनुभव करने लगता था इस कारण। तो दोस्तों क्यों महाराज शांतनु को शांतनु यह नाम प्राप्त हुआ था, यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है वह हम देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा एवं अंतिम सवाल है, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव क्यों कहा जाता है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है वह द्वारका के राजा थे इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता बताई थी इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह वसुदेव के पुत्र थे इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था इस कारण। तो दोस्तों क्यों भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव इस नाम से संबोधित किया जाता है, यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो आपको पता है क्या करना है, हमारे अगली वाली वीडियो देखने है। और दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आप कुछ भी कीजिए, यानी कि गूगल पर सर्च कीजिए, महाभारत अपने धर्मग्रंथ में देखिए या अपने से बड़े जानकार से पूछिए, लेकिन सवाल का जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो ही आपको महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य पता चलेंगे, हमारे धर्मग्रंथ के प्रति में आपके दिल में जो है वो एक आदर भाव रहेगा और वो बढ़ेगा, और इसी वजह से जो है हमें धर्मग्रंथ जानना बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए हम यह प्रयत्न करते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि अवश्य हमारे सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।